रायगढ़ जिलार उत्पादित होता कपार चाहिदा अंतर्जातीय बजार रही। जिलार अधिकांश चाषी कपा चाष कर जीविका निर्वाह करती, तेज चाषी मैंने उत्पादित कपा को मंडी में बिक्री नक बाहर बिक्री करसान पड़ी कपा मंडी। बाहर राज्यर सूताकल मालिक मैंने कपा को किणवाई रायगढ़ मुहां होती। चाषे व्यवहृत होता रासायनिक सार कपाई कीटनाशक औषधर अहेतुक दर वृद्धि अनुसार सरकार को निर्धारित दर चाषी को सुहाऊ नाषी मैंने अभोग कर दुर्गम अंचल मंडी को कपा आणवा तथा कुली मजूरी बाबद को अधिक खर्च हो मंडी अपेक्षा बाहर कपार क्विंटाल पिछा दर अधिक थी कपा मंडी को नदे बाहर बिक्री कर लाभवान होती। जिले में मंडी में कपार सहायक मूल्य 6380 टंका थिबा बेले बाहर 8000-9000 टंका रे बिक्री करछन्ति चासी। तमिलनाडु गुजरात मुंबई रो सूताकल मालिक माने सीधा रायगढ़ आसी कपा चासी को घर आगरे गाड़ी लगाई कपा किणी नउछन्ती, जहाँफल रायगढ़ जिले में 4326 जन चाषी सरकार पक्षर कर मंडी में बर्तमान पर्यंत पाद पकाई जहां विड़म्बनार विषय पलटि। तेणु सरकार पक्षर चाषी तुरंत किसी व्यवस्था करने को कपा चाषी मैंने साधारण दावी कर आज्ञा। गाड़ी लोड हो आज्ञा लोड होज्ञा नहीं जाऊँ आज्ञा तापर ना कि आमको टंका लगुना आज्ञा से बोलना कि आम लोक बाहर दे दौ आज्ञा ये मंडी में नबू घरे 100 टाँग लेखा नौ आज्ञा 100 टाँग लेखा बस्ता को नौ आम आज्ञा 100 टाँग देबू ना आज्ञा मो पा मन को मुझ कौन पोषे आज्ञा 12000 भितर आम खर्च होगा चाषे। तापर सरकार आमको मंडी में दौर 6500 ना कौन दौरान सर से बोली आम 8000 कहीं देबूनी 6000 कहीं देबू बोली आम ये कर सर। कपा गोटे अर्थकारी फसल गोटे चाषी मान गोटे मेरुदंड बर्तमान पलटि तेणु कपा द्वारा लोक उन्नति होती। तेणु निश्चय आगामी दिन में ये कपा मंडी सरकार के किणवे एवं सुलभ मूल्य जोटा प्राप्य से पाइबे एवं कला बजार शिकारी न होबे से आगामी दिन में आम सरकार सहित जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारी एवं सरकार सहित कथा मंडी व्यवस्था करी से लोक के सुविधा रे कपा पाइबे।